दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी को बवासीर हो जाता है तो इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये लोगों को बवासीर होता कैसे है, हर एक बात पूरा डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा जो कि केवल एक हफ्ते उसको चला देते हैं तो एकदम अच्छे से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों के लिए यहाँ पर दवाइयों को भी लेकर के आया हूँ। इसको उल्टा करूँ क्या, तब नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है नाम। ये नोपाइल है, उसके बाद देखिए पाइलेक्स फोर्ट हो गया, उसके बाद देखिए P6 हो गया। ऐसे बहुत सारी दवाइयों के बारे में यहाँ पर पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से बस पूरे वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। अब दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर ये होता है कि ये पाइल्स होता क्या है, ये जो बवासीर होता है ये क्या होता है। अगर हम बात करें कि ये क्या होता है तो ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से देखा जाता है वेनस आप रेक्टम गेट स्वेलिंग, जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग हो जाता है जिस रास्ते से हम लोग स्टूल को पास करते हैं, जिसके कारण देखा जाता है कभी कभी वहां पर ब्लीडिंग होने लगना, ब्लीडिंग की समस्याएं भी देखा जाता है, जिसको हीमोराइड्स कहा जाता है। कभी कभी दोस्तों ये कुछ लोगों को इंटरनल हो जाता है या फिर कुछ लोगों को एक्सटर्नल हो जाता है। तो ये इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मतलब बाहरी एरिया में अगर सूजन होता है तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं, लेकिन अगर अंदर की तरफ सूजन बना हुआ है तो उसको इंटरनल पाइल्स बोला जाता है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें वैसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं पता होगा, बस ये छोटा सा बात बताऊं कि ये पाइल्स होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पाइल्स हो जाता है, बवासीर हो जाता है, तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण की बात करें तो क्या होगा, पेनफुल लम्स में जिस रास्ते से स्टूल को पास किया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, या फिर ईचिंग देखा जा सकता है, वहाँ पर खुजली होना देखा जा सकता है, स्टूल को पास करते समय डिस्कम्फर्ट फील होना, ये लक्षण भी देखा जा सकता है, स्टूल में ब्लड आना भी देखा जा सकता है, और अचानक से ब्लीडिंग होना भी देखा जा सकता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि अगर मान लीजिए किसी को पाइल्स हो जाता है तो उनमें इनमें से कोई भी लक्षण देखा जा सकता है। और ये जो लक्षण होते हैं ये पाइल्स के ही लक्षण होते हैं, बवासीर के ही लक्षण ये होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इतना सारा बात समझ लिया है पाइल्स के बारे में, लेकिन एक छोटा सा बात हमें जानना है जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है कि लोगों को बवासीर होता ही क्यों है, ये होने का कारण क्या होता है। अगर आप ये पता चल गया तो जान लीजिए बहुत सारी जानकारी आपको हो जाएगा, तो ये जानना जरूरी है, इसको बता देता हूँ। उसके बाद सारी दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि एक हफ्ते के अंदर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहना, अगर ना कुछ समझ में आए तो जरूर बताना। देखिए दोस्तों बवासीर होने के, पाइल्स होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से पेट में कब्ज बना रहता है उस तरह के लोगों को भी देखा जाता है कि उनको बवासीर की समस्याएं देखी जाती हैं, जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। और क्रोनिक डायरिया, जिन लोगों को लंबे समय से दस्त का प्रॉब्लम रहता है, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं और ये दिक्कत लंबे समय से देखा जा रहा है, तो इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनको पाइल्स की समस्याएँ हो जाती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा वजन चीज़ों को उठाते रहते हैं, लिफ्टिंग हैवी वेट, तो जो ज़्यादा वजन चीज़ों को उठाते हैं इस तरह के लोगों को भी देखा जाता है कि उनको बवासीर की समस्याएं देखी जाती हैं। और इतना ही नहीं, स्ट्रेनिंग पासिंग स्टूल, या फिर जो लोग ज़्यादा वजन, या फिर उनका ही वजन ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा मोटापा हो गया है, वजन ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है कि उनको पाइल्स की समस्याएँ हो सकता है। और यहाँ पर पिछली बार मैंने एक कमेंट कुछ लोगों का देखा था कि क्या बवासीर में भी कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, तो इनके भी कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट, तो आपको पहला टेस्ट पता ही है, सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, अपनी सारी समस्याओं को बताता है और उससे हमें अनुमान लग जाता है कि हाँ पेशेंट को ये दिक्कत है, तो इस टेस्ट को बोला जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। ये बात समझ में आया ना। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है रेक्टल टेस्ट। तो वही बातें आपको बताने जा रहे हैं कि बवासीर में, पाइल्स में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, जो कि जानना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद इलाज के बारे में बताऊंगा। बस एक लास्ट पॉइंट आप लोग सुन लीजिए कि पाइल्स के डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला टेस्ट होता है
फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसमें पेशेंट के कंडीशन को देख करके उसके हिसाब से मेडिसिन को दिया जाता है कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है। उसी तरह से दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है रेक्टल टेस्ट। रेक्टल टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को पाइल्स का प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अगर है तो कौन सी दवा चलाना है, कौन सी दवा नहीं चलाना है, कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से दवाइयों को चलाया जाता है। जैसे कि बहुत सारी बात आप कहेंगे करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब चलिए हम इलाज के बारे में बताना शुरू करते हैं। इलाज के बारे में आपको जब बताने जा रहा हूँ तो इसमें आप लोगों को यहीं पर बता देता हूँ कि दो तरह की दवाइयों के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, दूसरा आपको बताऊँगा आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। ये दो तरह की दवाइयों के बारे में आपको बताऊँगा और कुछ दवाइयों को ऐसे बताऊँगा जिसको चलाने से एक हफ्ते के अंदर पेशेंट को आराम मिल सकता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सअप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाता है और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देर के हुए ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन चलाया जाता है वो चलाया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो मोक्सिकाइन सीवी 625 जो होता है इसमें पाया जाता है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैलोनेट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि 625 एमजी का ये टैबलेट होता है। अगर ये नहीं है तो उस कंडीशन में ओफ्लॉक्सिन टैबलेट, जो कि 200 एमजी का होता है, जो कि जेनफ्लक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये भी बनाया गया है, तो दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 से 3 टैबलेट चलाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद, हल्का भोजन करने के बाद इस एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। और एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ साथ एक मेडिसिन और आता है जो कि होता है स्टेप्टोविट ई टैबलेट, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी का ये है स्टेप्टोविट, जो कि स्टेमाइलेट टैबलेट ये होता है 500 mg का ये मेडिसिन होता है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। अच्छा, इस टैबलेट का काम क्या होता है, ये एक ऐसे मेडिसिन होते हैं दोस्तों जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए। अब आप लोगों को बताएं, अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उस तरह के लोगों को सडनली ब्लीडिंग होना, स्टूल के साथ ब्लीडिंग होना, ये सारी की सारी समस्याएं देखे ही जाते हैं और इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेप्टोविट ई टैबलेट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन माने जाते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग के इलाज करने के लिए। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 से 3 टैबलेट खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। समझ गए, ये बातें हो गई स्टेप्टोविट ई टैबलेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये टैबलेट माने जाते हैं। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो है लिवोसिट्रिजिन है, और लिवोसिट्रिजिन का काम क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। लिवोसिट्रिजिन जो होता है ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों इचिंग को ठीक करना, एलर्जी को ठीक करना। जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है तो स्टूल जिस एरिया से पास होता है उस एरिया में देखा जाता है इचिंग होना, पेन होना, स्वेलिंग हो जाना, तो इसका जो काम होता है वो इचिंग को, एलर्जी को ठीक करने का काम करते हैं। इसीलिए लियोसिट्रिजिन को जरूर मिला करके दे दिया जाता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर मान लीजिए किसी को कब्ज की वजह से ये समस्याएं देखी जा रही हैं कि लंबे समय से उनको कब्ज बना हुआ है, जिसकी वजह से उनको पल्स की प्रॉब्लम देखा जा रहा है, इसके लिए उनको दिया जाता है क्रीमालेक्स टैबलेट, जो कि सोडियम फास्फेट इसमें पाया जाता है, सोडियम पीकोसल्फेट पाया जाता है, जो कि ये एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि क्या करता है, इस मेडिसिन का केवल और केवल एक काम होता है, ये स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। स्टूल जो हमारे एकदम हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में कब्ज बन जाता है, पेट नहीं साफ होता है, जिसकी वजह से बवासीर की समस्याएं देखी जाती हैं, तो इसका एक ही काम होता है कि ये स्टूल को सॉफ्ट बनाएगा, नर्म बनाएगा और उसको बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं, पेट में कब्ज बन गया है, पाइल्स का प्रॉब्लम हो जा रहा है, पेट फूला हुआ है, वो सारी समस्याएं क्रीमालेक्स से ठीक हो जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है सोडियम पीकोसल्फेट टैबलेट। एबोट कंपनी का होता है, ब्रांडेड होता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये शो करता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में केवल और केवल एक टैबलेट खाया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के बाद सोने से पहले एक टैबलेट खा लिया जाता है, जिसे सुबह आपका पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाए। समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो चलिए कुछ क्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों
यह है लोक्स 2% का जेल ही आता है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यह है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल, इंडियन फार्माकोपिया के, यह है लोक्स 2% जेल ही यह होता है। इसका काम क्या होता है, या फिर एक और यहाँ पर होता है, ये होता है गो स्मूथ, गो स्मूथ यह होता है। जिसको नहीं दिख रहा है लिख देता हूँ, जी ओ यस एम यू टी एच, तो गो स्मूथ लिखा रहता है। तो इसका काम क्या होता है, गो स्मूथ का मतलब होता है, समझ लीजिए आप लोग, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड और गो स्मूथ जो होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जिनको पाइल्स की समस्याएं रहती है, जिसकी वजह से आप स्टूल पास करने जाते हैं तो बहुत दिक्कत देखा जाता है। तो स्टूल पास करने से 5 मिनट पहले उस एरिया में लगा दिया जाता है, जिससे वहां पर एकदम सॉफ्ट हो जाए स्किन और सारा का सारा स्टूल आसानी से बाहर निकल सके। तो रेक्टम वाले पार्ट में इसको स्टूल पास करने से 5 मिनट पहले इस क्रीम को लगा दिया जाता है, जिससे आसानी से सारा का सारा स्टूल बाहर निकल सके। समझ में आ गया ना आप लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो ये पाइल्स के ट्रीटमेंट के कुछ क्रीम के बारे में आपको बता दिया हूँ, जो कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके लिए एक अर्सकल्प आता है, पाइलेक्स आता है, और पाइलेक्स फोर्ट का देखिए एक क्रीम आता है, ये भी आता है, जो कि पाइलेक्स फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लास्ट में भी एक और बातें बताऊंगा, लेकिन सर्जरी की बात बाद में हम करेंगे। अब आपको हम एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि केवल और केवल एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिखेगा। इसके लिए इस्तेमाल करना है P6। P6 के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुने हैं तो जाकर के आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर मांगेंगे, वहां पर आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। P6 अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, खूनी से खूनी बवासीर कितना भी खतरनाक रहे, अगर ज़्यादा कंडीशन खराब है, तो उस कंडीशन में कैप्सूल होता है ये, तो दो कैप्सूल सुबह शाम कम से कम एक हफ्ते चलाना है, जिससे पेशेंट को बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप नोपाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोपाइल्स जो होते हैं, ये भी अगर एक हफ्ते चला देते हैं लगातार, और इसी के साथ साथ कोई भी एक क्रीम उस एरिया में लगाने के लिए, पाइलेक्स फोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडेंसा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही जल्द पेशेंट को आराम मिल जाएगा और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये बहुत ही यूजफुल माना जाता है। और इसी तरह से एक और आता है, आपको बता देता हूँ, लोहासो के नाम से। अब आप लोगों को यहाँ पर लोहासो, जो कि शीशे के, इसका आता है शीशे का डिब्बे में, ये होता है लोहासो जिसका नाम होता है, लोहासो जो होता है, अगर मान लीजिए किसी को कुछ बहुत लंबे समय से परेशान है बवासीर से, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप P6 को चला सकते हैं, P6 के साथ साथ पाइलेक्स फोर्ट क्रीम जो बताए हैं उस एरिया में लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक लोहासो का सिरप आता है, अगर आपने उस सिरप को चला दिया तो एक हफ्ते के अंदर आप रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे कि कितना जल्दी वो ठीक हो जाएगा, और कुछ करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो कंडीशन खराब होता है तो तुरंत लोग कहते हैं ऑपरेशन करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। लोहासो का काम बता देता हूँ कि लोहासो के बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं, ये हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधार करने में इनका अच्छा रोल होता है। वहीं पर ये हमारे डाइजेशन को, हम कुछ खा रहे हैं वो खाना सही से पच रहा है, सही से स्टूल बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ये हमारे डाइजेशन को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कहीं पर सूजन बना हुआ है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शरीर में इचिंग हो रहा है, शुगर की समस्याएं हैं, बवासीर का समस्याएं हैं, खांसी की दिक्कत है, पाचन क्रिया नहीं सही से हो रहा है, अन्य कोई समस्या है, सही से भूख नहीं लग रहा है, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं लोहासो। तो लोहासो का काम क्या होता है, अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया हो तो सभी लोग अब सीधा सीधा जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया तो जरूर बताइएगा। और एक बात, जो लोग हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, तो फेक आईडी से बचना, उस आईडी को फॉलो करना जिसके 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं, और फॉलोइंग केवल एक है, वो भी हमारा दूसरा अकाउंट है, उसी को फॉलो किया गया है, अंकित चतुर्वेदी के नाम से, वही रियल अकाउंट है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है, या फिर छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ, तो शायद आपको वहाँ पर भी बेनिफिट कुछ मिल जाए, तो जरूर आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, लेकिन आपको अच्छा लगे तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो होता है कंप्लीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।